हुई है। झाबुआ में भी प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। 10 दिनों पहले 12 रुपए किलो बिकने वाली प्याज अब 24 रुपए के भाव बिक रही है। रिटेल प्याज की कीमत 30 से 35 तक पहुंच गई है। महंगाई बढ़ रही तो प्याज महंगे पड़ रहे हैं हमको और कहे। पहले क्या कीमत लेते थे आप? पहले ये 15 से 20 रुपए में, आज 30 से 35 40 हो गया। अच्छा, हाँ। जेब में भारी पड़ रहा, क्या हो रहा है? भारी कहाँ, पेमेंट जा रहा तो भारी कहाँ से पड़ रहा, पेमेंट जा रहा ना हमारा। अच्छा। 200 रुपए की दाड़की मिल रही, प्याज 40 रुपए किलो पड़ रहा तो फिर क्या मतलब है? यहाँ तेवर दिखाया तो लोगों की बेरुखी भी जाहिर हो गई। हालत ये है कि मंडी में भीड़ कम हो गई। प्याज के होलसेल व्यापारी ग्राहकों के आने का इंतजार करते रहे और मुई प्याज अपने ही अंदाज में अकेले बिदकती रही। पहले 20 रुपए किलो थी भैया, अब 30 हो गई है। अच्छा, कितने दिन में ये फर्क हो गया? अभी एक 10 दिन में, 10-12 दिन में फर्क पड़ गया। बिल्कुल फर्क पड़ गया। बिक्री पे फर्क पड़ा है आपकी? नहीं, बिक्री फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा प्याज की कीमतों से। अभी 10-12 दिन पहले ही प्याज जो 10-12 किलो रुपए किलो में बिक रहा था, अब वो जस्ट डबल भाव में हम लोगों को मिल रहा है। 25 से 30 रुपए किलो हो चुके हैं उसके रेट। इस वजह से किचन का जो हम लोगों का बजट है वो गड़बड़ा जाएगा। और ना ही प्याज, दूसरी सब्जियों में भी बहुत ही डबल तरीके से अमाउंट बढ़ चुका है, वो भी परेशानी का कारण है हम लोगों, आम लोगों के लिए। हाँ, प्याज की कीमत ज्यादा बढ़ी हुई है। पहले 10-12 रुपए किलो मिल रही थी, अभी 24 रुपए किलो हो गई है। इसलिए दिक्कत आ रही है खरीदने में अभी और बेचने में भी। आम आदमी को वैसे प्याज की कीमत से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि प्याज ऐसी चीज है जो अधिकतर सब्जियों में डलता है, यूज किया जाता है। तो प्याज की कीमत पहले नॉर्मली 10-12-15 रुपए किलो हुआ करती थी, आज की तारीख में 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो प्याज जा रहा है। तो आम आदमी का बजट जो रहता है वो अधिकतर बिगड़ ही जाता है, जो किचन बजट रहता है बिगड़ जाता है। बढ़ोतरी 10-12 दिन में 100% बढ़ोतरी हो गई है। 10-12 दिन पहले जो प्याज हम 10-12 रुपए बेच रहे थे, वो आज की पोजीशन 24-25 रुपए की हो गई है। वजह क्या? वजह जो कर्नाटक में भयंकर बाढ़ आई है, उससे जो नई फसल अभी कर्नाटक चालू हो जाती है वो फसल पानी से सब नष्ट हो गई है। और उससे जो फसल, दूसरी जो फसल निकलने वाली है उसमें 1.5 महीने की लेट हो गया है, जो ये प्याज पूर्ति करेगी उसकी, इसलिए एकदम उछाल आया और साउथ वालों की खरीदी जबरदस्त है। कीमतों की थाह लेने जब कारवां सागर पहुंचा तो यहां भी प्याज का अंदाज और तेवर हिलोरे मार रहा था। कीमतों से ज्यादा प्याज के नखरे दिखाई दिए, जो व्यापारियों के चेहरे पर साफ नजर आया और मंडी में पसरा मिला। मंडी में प्याज 25 रुपए किलो बिकती नजर आई तो फुटकर बाजारों में दुगनी कीमतों की मार दिखी।